हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी MS वक्र की क्लास नंबर 11 है। तो आज हम वर्ड आर्ट से स्टार्ट करेंगे क्लास। तो जैसे ही हम वर्ड आर्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। तो हम इस वर्ड आर्ट में क्या कर सकते हैं, इसका क्या है? तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें और इस स्टाइल में आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखें, आप इस स्टाइल में अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, बहुत खूबसूरत टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये हेडिंग पे तो के तौर पे आप भी दे सकते हैं, किसी किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी इसमें आप हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट होते ही इसके साथ एक न्यू टैब फॉर्मेट का ओपन हो गया। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद यहाँ से इसकी चेंजिंग करता हूँ, आप देखते जाएं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, इस आउटलाइन देना चाहता हूँ, तो कोई भी आउटलाइन दे दे। शेप इफेक्ट, आप यहाँ से शेप को कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखें, उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो ये देखें, ये देखें, यहाँ से आप टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं। तो ये देखें, टेक्स्ट को आप कोई शेडो देना चाहते हैं, कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें। तो हम ये पहले तमाम सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो, पिछली क्लासेस नहीं देखी, उनको समझ नहीं आएगी, तो वो पिछली क्लासेस देख ले, उनमें हम ये सीख चुके हैं। अब जिन दोस्तों ने देखे हैं तो उनको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड जो है वो है ड्रॉप कैप का। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। F4 के साथ आप इसे रिपीट कर सकते हैं। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ ड्रॉप कैप पे आता हूँ। तो ये देखें, ये आप ये जो करेक्टर आपने लिखा है, ये जो वर्ड आपने लिखे, इसका जो सबसे पहला वर्ड है, अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ये बोल्ड हो गया। आप इसे कितने लाइनों में लगाना चाहते हैं, कितने लाइनों की जगह पे लगाना चाहते हैं? तो ये देखें, ये अब 5 लाइनों की जगह पे आ चुका है। यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये 5 लाइनों की जगह पे लग चुका है। आप इसे कितने लाइनों की जगह पे लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं 2 लाइनों की जगह पे। तो ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है वो है सिग्नेचर लाइन। आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्म आपने लिख लिया, तो उसके लिए आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेम लिखें, ये देखें, यहाँ पे वो किस पोस्ट पे हैं, किस ओहदे पे हैं वो लिखें, यहाँ से क्रिएट करें। तो ये देखें,
सिग्नेचर लाइन आ गया। तो ये प्रिंट के साथ भी इसी तरह शो होगा, प्रिंट होगा। नेक्स्ट कमांड है डेट एंड टाइम। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया, कोई फॉर्म बना लिया, आप उस पर डेट टाइम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये देखें, तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये आपने लिख लिया, लास्ट पे आ जाएं, यहाँ पे अपना कर्सर ले आए, जहाँ पे आप डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे लग गया। आप इसे किसी दूसरे फंड में लगाना चाहते हैं, ये देखें, ये लग गया। आप इस तरह नहीं लगाना चाहते हैं, इस तरह लगाना चाहते हैं तो ये लग गया। यहाँ से आप बआसानी डेट और टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है ऑब्जेक्ट का। यहाँ से आप ओपन फाइल, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से ऑब्जेक्ट में आप इस वर्ड की फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, कोरल ड्रा में, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट में, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ओपन टेक्स्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है वह है सिंबल। यहाँ से आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास सिंबल है। आप यहाँ से कोई सिंबल नहीं लगाना चाहते तो मोर सिंबल पे चले जाएं। यहाँ से आप कोई सिंबल लगाना चाहते तो ये देखें, ये एक सिंबल लग गया। ये देखें, कोई और लगाना चाहते हैं तो ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंबल हैं। आप कोई भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये देखिए, किसी भी वक्त को स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर में आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। ये देखें, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, ये आज हमारी एमएस वर्ड की क्लास 11 है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और एमएस वर्ड की तमाम कोर्स अपलोड करता रहूँगा। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप तक ये लेक्चर नहीं आएगा। तो जो भी न्यू लेक्चर होगा आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।